दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं अपने स्कूल जहां पे मेरी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। स्कूल का नाम है भानी देवी गोयल सरस्वती विद्या मंदिर। ये है मेरा बड़ा सा स्कूल। खूबसूरत सा गार्डन लगा हुआ है और काफी सारे कोटेशन लिखे हुए हैं जो कि बचपन में पढ़ पढ़ के हम लोगों ने याद किए थे। ये मेरा स्कूल जो है आरएसएस का स्कूल था, तो हम लोगों को नैतिक शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। आइए पहले मैं आपको लेके चलता हूँ मेरी क्लास। आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि सारे जो कक्ष हैं, रूम हैं, उनके नाम किसी ना किसी महापुरुष के नाम पर दिए हुए हैं। जैसे आप अभी देख रहे हैं संत रविदास कक्ष, इसके अलावा इसी फ्लोर पे वल्लभ भाई पटेल कक्ष, अलग अलग महापुरुषों के नाम से कक्ष बनाए हुए हैं। और ये थी मेरी क्लास, क्लास 8C, जो कि अभी भी शायद 8E हो गई है। अब हम बढ़ रहे हैं प्रेयर हॉल की साइड। अभी मुझे नहीं पता है कि प्रेयर हॉल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, आइए आपको मैं दिखाता हूँ। तो भारत माँ की उपासना हमेशा हम लोग करते हैं। आप देखेंगे माता सरस्वती, भारत माता और ओम का चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है। तो बड़ी ही खूबसूरत तरीके से संगीत के साथ, गाजे बाजे के साथ रोज प्रेयर हुआ करती थी। और प्रेयर में हम लोग हनुमान चालीसा भी करते थे, देशभक्ति के गीत भी गाया करते थे और हर दिन के हिसाब से अलग अलग स्तुतियां हुआ करती थी जब मैं यहाँ पर पढ़ता था। और वो स्तुतियां, वो श्लोक मुझे आज भी याद हैं। तो अपने आप में मैं हमेशा ये गर्व करता हूँ कि मैं इस विद्यालय का छात्र रहा। तो अब मैं आपको मिलवा रहा हूँ इस विद्यालय के दो महत्वपूर्ण स्तंभों से, यहाँ के जो वर्तमान प्रधानाचार्य जी हैं और जो पूर्व प्रधानाचार्य जी हैं, जिनका हर एक बच्चे जो भी इस विद्यालय में पढ़ता है उसके भविष्य को बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। तो ये है हमारे विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य जी श्री सुशील कुमार शर्मा जी, और ये वर्तमान प्रधानाचार्य जी हैं श्री अवध गुप्ता जी। और मैं आचार्य जी से चाहता हूँ कि वो बच्चों को या जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं। मेरा अपने सभी वर्तमान और पूर्व छात्रों से यही आग्रह है कि वो इसी तरह से जैसे हमारे कृष्ण मोहन जी शर्मा अपने पूर्व संस्था भानी देवी गोयल विद्यालय है उसको अपनी स्मृति में संजोए रहते हैं, संजय हुए हैं, इसी प्रकार से हमारे यहाँ के जो भी छात्र गए हैं हम उनसे यही अपेक्षा करेंगे कि अपनी इस संस्था को, जिस संस्था को कहते हैं कि इससे हमारा जीवन बना, भविष्य बना, उसको ना भुलाएं, उसको हमेशा अपने स्मृति पटल में सुरक्षित रखें। और यही मेरा सबसे संदेश है हमारे आचार्य जी श्रीमान अवध किशोर गुप्ता जी से कि वो क्या संदेश देंगे वर्तमान स्टूडेंट्स को और आने वाले विद्यार्थियों को। आचार्य जी प्लीज। मैं अपने पूर्व छात्रों को एवं वर्तमान छात्रों से एक अपेक्षा करता हूँ कि विद्या भारती की संस्थाओं में जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो निश्चित रूप से विद्यालय में जो सर्वांगीण विकास के लिए या राष्ट्र हित के लिए या जो गरीब परिवारों में मदद करने के लिए ये जो सिखाया जाता है इन विद्यालयों में, इसको अपने पूरे जीवन भर राष्ट्रभक्ति को अपने साथ जरूर याद रखें। तो अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ अपने हॉस्टल, जिसको हम लोग छात्रावास बोला करते हैं, जिसका नाम है भारद्वाज छात्रावास। मैं यहाँ पर सन 2002 से 2003 तक रहा और वो मेरे लाइफ का सबसे यादगार लम्हों में से एक समय रहा। हरियाली पर बहुत ध्यान दिया गया है यहाँ, गार्डनिंग और ग्रीनरी तो A1 रहती है यहाँ की। भारद्वाज छात्रावास, वैदिक मंत्र हर जगह लिखे हुए दिख जाएंगे आपको। ये है छात्रावास की दिनचर्या जो कि 4:30 AM से स्टार्ट होती है और एंड होती है 10 PM। हॉस्टल के अंदर आ चुका हूँ और आप देखिए यहाँ पर भी प्रेयर हॉल एक बना हुआ है। ये हॉस्टल पहले सिर्फ 6 कमरों से स्टार्ट हुआ था और अब आप देखेंगे कि इस हॉस्टल की बिल्डिंग अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है 20 रूम से भी ज़्यादा है। बहुत अच्छा मुझे इस टाइम फील हो रहा है कि मैं इतने टाइम बाद अपने हॉस्टल में आया हूँ। पैंडमिक का टाइम है तो ज़्यादा बच्चे अभी हॉस्टल में है नहीं, आपको एक टिपिकल बॉयज हॉस्टल का फील आएगा। हर जगह कपड़े सूख रहे हैं, बॉयज घूम रहे हैं।
यहाँ पर भोजन जो करते हैं वो नीचे बैठ के करने की परंपरा अभी भी है, और उसके पहले भोजन मंत्र सभी जरूर करते हैं, और वो भोजन मंत्र मुझे आज भी याद है, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। कि जो बचपन में आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं वो आपको आजीवन याद रहती हैं, और ऐसे ही आपको आने वाली पीढ़ियों में अपने हिंदू धर्म के संस्कार या कोई भी जो भी कल्चर आप फॉलो करते हैं उसके संस्कार आपको देते रहना चाहिए। तो अब हमारे साथ हैं इस भारद्वाज छात्रावास की बागडोर संभाले हुए श्री अरविंद कुमार यादव सर जी, आचार्य जी, और मैं चाहता हूँ आचार्य जी आप कुछ बताएं। देखिए आज जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, आप लोग के आने से, पूर्व छात्र के आने से उनको बहुत अच्छा लगा कि उनको ये प्रेरणा प्राप्त हुई कि हम आज जिस स्थान पर हमारे ये पूर्व छात्र हैं उस स्थान पर हमको पहुँचना चाहिए। और मैं पूर्व छात्रों से ये अनुरोध करता हूँ कि इस प्रकार इन बच्चों का आके उत्साहवर्धक करते रहें, जिससे ये बच्चे भी आने वाले समय में अच्छे स्थान पर, ऊँचे स्थान पर अपने माँ बाप का, अपने विद्यालय का नाम रोशन करें। आप लोग के आने से इस विद्यालय में नई जागृति प्राप्त हुई, इन बच्चों को ये प्रेरणा प्राप्त हुई कि हम भी कल ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद अपने विद्यालय में अपने नए छात्रों से मिलें, उनको कुछ प्रेरणा दें। आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मेरा जो विद्यालय का सफ़र है, जो कि मैं कई वर्षों बाद इस विद्यालय में आया हूँ, अपने पुराने शिक्षकों से मिला, उनका आशीर्वाद मुझे लेने को मिला, इससे बड़ी सौभाग्य की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। मेरी पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गई पूरी तरह से। मैं इतने साल बाद इस विद्यालय प्रांगण में आया, लेकिन मुझे आज भी वही अपनापन, वही स्नेह मिला जिसकी मैं अभिलाषा रखता था। मैं आने वाले समय में आपको फिर से विद्यालय लेके आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।